वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं। जैसे कि लास्ट मेरी कुछ वीडियोस थी फोर्ड फिगो के स्पोर्ट्स वर्जन के लिए, और कुछ लोगों ने इसके रिव्यू में मांगा था, मुझसे कुछ कमेंट्स मांगे थे कि आखिरकार अगर फोर्ड फिगो आपकी माइलेज देती है तो उस माइलेज को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि नॉर्मल फोर्ड फिगो जो टाइटेनियम आती है आपकी TDCI मीन्स डीजल इंजन के साथ में, उसके माइलेज में और स्पोर्ट्स के माइलेज में कोई खास अंतर है या नॉर्मल अंतर है, ये जानने के लिए। और आखिरकार अगर माइलेज क्या गाड़ी कम दे रही है या किस तरीके से दे रही है, इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए, इसकी वीडियो मांगी थी। आज आपके सामने मैं फिर से लेकर के आया हूँ फोर्ड फिगो की ये स्पोर्ट्स, जिसका माइलेज कैसे इंक्रीज़ किया जाए ये मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आपके विंडस्क्रीन के आप पास देख सकते हैं ट्रैफिक, हम चूँकि हाईवे पे चल रहे हैं और हाईवे पे आपको ज़्यादा ब्रेक्स और ज़्यादा आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी होती है, तो इसकी वजह से आप अच्छा खासा माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी पिछले 2 किलोमीटर के रास्ते में हमने जो गाड़ी का माइलेज निकाला है वो आपके सामने ऑन स्क्रीन मैं दिखा सकता हूँ आपको। 23.2 एवरेज किलोमीटर पर लीटर जो अभी उसने मेरे को लास्ट टाइम दिया वो यहाँ पर शो कर रही है। अभी गाड़ी का माइलेज डिक्रीज हो रहा है चूँकि गियर शिफ्टिंग हो रही है, और गियर शिफ्टिंग के बाद में ये आपका पर सेकंड जो माइलेज आता है गाड़ी का वो यहाँ पर शो हो रहा है, जिसमें आपका पर सेकंड मींस उतने पल के लिए आपकी गाड़ी क्या आपको माइलेज दे रही है ये दिखाया जाता है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है। नॉर्मली हम इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, और कोई चूँकि एग्जैक्ट हमको कोई एक पॉइंट नहीं मिलता है, और इसकी वजह से हम चलते हैं उसी अपने फिर से ट्रिपीटर पे, जिससे हम जान सकें कि हमारी गाड़ी लास्ट टाइम से हमको क्या माइलेज दे रही है। और आप लास्ट टाइम से जो गाड़ी का माइलेज देखेंगे फिर से 23.1 यहाँ पर हमको शो कर रही है, और अगर हम इसी स्पीड को आप देख सकते हैं 80-90 किलोमीटर्स पर आवर आपकी स्पीड चल रही है। पहले तो मैं आपको आपकी स्पीड को मेंटेन करने की बात करता हूँ कि जब कभी भी आप अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ाना चाहें, और आप अगर इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो गाड़ी की एसी को बंद कर दें, ताकि आप गाड़ी को किसी भी तरीके का लोड ना महसूस कर सकें और किसी भी तरीके का प्रेशर ना महसूस कर सकें। हाईवे पे चलें कंसिस्ट एक स्पीड पर। आप 70 पे चलेंगे तो भी गाड़ी आपकी माइलेज नहीं देगी, आप 100 पे ऊपर चलेंगे तो भी गाड़ी आपका उतना माइलेज नहीं देगी। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 80-90 किलोमीटर्स पर आवर होनी चाहिए। एकदम आपकी गाड़ी का एक्सलरेशन बिल्कुल उसी जगह पर एग्जैक्ट होल्ड होना चाहिए, ताकि आप गाड़ी से अच्छा माइलेज निकाल सकें और इंजन भी स्मूथली एक स्पीड पर रन कर सके। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी गाड़ी का जो आपका माइलेज शो हो रहा है 23.7। ऐसे करते हुए आप जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे, मैंने इस गाड़ी के इसी मीटर पर 31 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो रीडिंग इसने मेरे को दिया है वो मैंने निकाला हुआ है अभी, चूँकि ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको आप क्लियर कर देते हैं, ये ट्रिप मीटर जैसा ही है। तो मैं फिर से फ्रेश पिछले 1-2 किलोमीटर की बात, आज लगभग 4 किलोमीटर हो गए, 4-5 किलोमीटर क्रॉस हो गए, और 4-5 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद में गाड़ी का जो मेरा ये माइलेज शो हो रहा है 24.1। अभी आपका जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना ही हम एग्जैक्ट कॉन्सिस्ट इसी स्पीड पर चलते जाएंगे, ये गाड़ी का आपका मीटर वैसे ही इस आपका एवरेज शो करता जाएगा। तो एक बिल्कुल स्पष्ट सा आपका अंदाज है, देखिए गाड़ी का जो आपका इंजन RPM मीटर है मीन्स टैकोमीटर है, ये भी आपको स्पीड शो कर रहा है 2000 RPM पे। 2000 RPM पे आपकी गाड़ी की स्पीड जो जा रही है वो 90 किलोमीटर्स पर आवर जा रही है। यही आपका इंजन से आपको माइलेज लेने का एक तरीका है, एक एग्जैक्ट सेम आपका कंसिस्ट स्पीड होनी चाहिए, आपका एक्सेलरेशन होल्ड होना चाहिए, आपका वेट ज़्यादा गाड़ी पर। अगर मैं अभी इसी समय AC बंद कर देता हूँ तो आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ सेकंड के लिए। मैंने यहाँ पर देखिए AC को कर दिया बंद, और आपके सामने अभी माइलेज आप बढ़ता हुआ पाएंगे। जैसे जैसे गाड़ी चलती जाएगी आपका माइलेज बिल्कुल बढ़ता हुआ आपको मिलेगा 24.8। ऐसे ही धीरे धीरे आपका माइलेज एकदम आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, ये अब बहुत ही क्विकली बढ़ता है, और क्विकली बढ़ने के साथ साथ चूँकि गाड़ी पे किसी भी तरीके का अपलोड आपको नहीं मिलेगा, अभी 25 आपको शो होगा, फिर ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। लगभग मैक्सिमम आप 20 किलोमीटर्स, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आपकी गाड़ी आपको 32 किलोमीटर्स अराउंड मीन्स आप कह सकते हैं 28-30 किलोमीटर्स की आपको माइलेज रीडिंग यहाँ पर शो कर देगी। और उस समय मैं ये भी नहीं बोलूँगा आपको कि वो गाड़ी 30 का माइलेज दे रही होगी, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि 30 का माइलेज अगर गाड़ी आपकी शो कर रही है तो आपको 28-27 के अराउंड माइलेज, ओवरऑल माइलेज आपकी गाड़ी आपको दे रही होगी।
अब अगर माइलेज इंक्रीमेंट से लेकर के किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी है, कोई अगर आपको बात है तो आप पूछना चाहें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।